हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट फाइव इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 7। ये क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि पांच इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखिए जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 7 हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है, सिंपली आप लोग ध्यान रखें कि जब ऊपर वाली संख्या यानी न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं, और ये होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बड़ी संख्या हो कोई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, और नीचे कोई छोटी संख्या दे दी जाए यहाँ पे 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर बड़ी हो और डिनोमिनेटर छोटी हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है कि पांच इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखिए, तो हम लोग पांच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे, कोई से भी 5 लिख देंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 7 हो। ये न्यूमरेटर होता है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो पहली बात तो ये कीजिए आप लोग कि 7 सबके नीचे लिख दीजिए, 1 और ये 5, ये डिनोमिनेटर 7 7 7 सब में हो चुका है। अब क्या करना है हमें, इम्प्रॉपर बनाना है, तो बड़ी संख्या कोई भी रख दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं 8 रख दिए, 9 रख दिए, 10 11 12, यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं, 15 16 17 18 या 20, कुछ भी रख सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी हो। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर क्या है, 7 है सबका। देखिए सबका डिनोमिनेटर 7 है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, ये छोटी सी वीडियो थी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।